नमस्कार, मैं तन्ना दलाल बोल रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे तंदूरी आलू रैप, और इसके लिए हमें चाहिए रैप का बेस होता है गेहूं की रोटी। और रोटी बनाने के लिए हम पहले लेंगे प्योर गेहूं का आटा, थोड़ा सा तेल, और पिंच ऑफ सॉल्ट, ज्यादा नहीं। इसको अच्छी तरह मिक्स करके पानी से डो बनाएंगे। बहुत ही आसान है। ये बन गया अपना डो, और फिर रोटी बनाना चालू कीजिए। अभी उसके हम चार गोले बनाए। चार गोले बन गए, अभी हम इसकी रोटी बनाएंगे। बहुत पतली रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फट जाती है। जब फिलिंग करते हैं ना, तब वो फट जाती है। अभी रोटी बन गई तैयार, और इसको तवे पे डाल देंगे। ज़्यादा नहीं सेकना, कच्चा पक्का, घर बाद में भी हम सेकने वाले। जस्ट यू गेट पिंक स्पॉट्स ऑन टॉप। ये बन गई अपनी चार रोटियाँ, देखे ना, बढ़िया बन गई। अपनी रोटी तो तैयार हो गई, अब हम आलू का मसाला बनाएंगे। इसमें क्या चाहिए? चाहिए अपने को रेड चिलीज, गार्लिक, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा एकदम, और फिर धनिया जीरा का पाउडर। ये सबको एक साथ हम पेस्ट लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के आज पेस्ट बना लेंगे। ये बन गई अपनी पेस्ट। अभी हम आलू का मसाला बनाएंगे। पहले हम डाला है तेल, इसको गर्म होने दीजिए, और फिर डालेंगे पेस्ट। मसाले को अच्छी तरह भून लीजिए। तो अपना मसाला तैयार हो गया। अब डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बगैर नहीं चलेगा, ये उसकी जान है। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, क्रीम, नमक। कहते हैं मसाला में नमक डाला पहले से ज़्यादा स्वाद देता है, हम पहले से नमक डाल, और फिर हम डालेंगे आलू। ये है छोटे आलू, इसको बॉईल कर दिया है, और फिर इसका छिलका निकाला हुआ है, उसके बाद इसको आधा कर दिया। ये बन गया अपना आलू। देखिए, मैं कहती हूँ ऐसे ही खाने में मज़ा आती है। कॉकटेल पार्टी में ऐसे ही दीजिए टूथपिक लगा के, बहुत बढ़िया लगता है। आज मुझका रैप बनाएंगे। अभी हम ये रैप के लिए ड्रेसिंग बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए दही। तो ये क्या है? अपना फेटा हुआ दही, क्या अच्छी तरह फेटा हुआ दही। फिर थोड़ा सा नमक, बहुत कम, चॉप्ड गार्लिक, जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, शक्कर थोड़ी सी, और फाइनली थोड़ा सा दूध। अच्छी तरह उसे मिला लीजिए, और फिर थोड़ा सा स्प्रिंग है। देखने भी सुंदर लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है।
ये बन गया अपना ड्रेसिंग। ये रोटियां है, पहले से बना के रख सकते हैं, फिर जब बना देने का होगा, सर्व करने का होगा, तब इसे साधारण गरम कर लेंगे। कितना? जस्ट अ फ्यू सेकंड्स, थोड़े से गरम कर लेंगे। गरम खाने में मजा आता है, गरम गरम। बस बन गई, एकदम गरम, बढ़िया हो गई। अभी देखिए, अब हमारा रैप तैयार हो रहा है। पहले हम डालेंगे तंदूरी आलू स्टफिंग, बहुत ही बढ़िया, और फिर थोड़ा सा साल, कैबेज, कैरेट्स, और फिर थोड़ा सा चाट मसाला, और फिर फाइनली ड्रेसिंग। बस तैयार हो गया अपना रैप, और इसको अभी सील कर देंगे टूथपिक से, छोटा सा सब टूथपिक डाल देंगे। ये बन गया अपना रैप, देख लिया ना, बहुत ही आसान है बनाना। मैं खुद अकेले दो तो खा जाऊंगी और पेट भर जाएगा, उसके साथ चाहिए तो बढ़िया गरम सूप दीजिए। आइडियल फॉर वॉचिंग टेलीविजन, आइडियल फॉर वॉचिंग नाइस मूवीज, नो नीड फॉर DBRS, दाल भात रोटी सब्जी, जस्ट सिंपल। पहले से रोटी बना के रखिए, पहले से आलू मसाला तैयार करें, फिर देखिए कितना आसान है बनाना, है ना आसान? आपको मेरी सिंपल रेसिपी कैसी लगी? आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और आपको मेरी दूसरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। अरे हाँ, आपके सजेशंस और कमेंट्स ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए।